का बज रहा है करीब 4, और ये जो गाड़ी दिखाई दे रहा है ये गाड़ी खड़ा हुआ है। हम लोग जा रहे हैं टाइगर हिल देखने के लिए। तो एक्चुअली मेरा जो दो फाउंडर है मेरे साथ, तो उन लोगों के लिए वेट कर रहा हूँ थोड़ा सा, अभी तक आ नहीं रहा है यार। 4:20 हो रहा है, यहाँ पे वेट कर रहा है हम लोग, तो उन लोगों के लिए वेट करना पड़ रहा है। वो लोग आएगा तब जाके टाइगर हिल के लिए निकल जाएंगे। गाड़ी तो बुक कर लिया था कल ही, मतलब 6 आदमी 1200 रुपये लिया है गाड़ी, और वो 3 पॉइंट दिखाएगा हम लोगों को, बतासिया लूप, टाइगर हिल और रॉक गार्डन, ऐसा कुछ दिखाएगा। तो फिलहाल आगे जाके देखते हैं क्या होता है। लोग जो है अभी पहुंच गए हैं टाइगर हिल की ओर जा रहा है। अब अंधेरा है सामने, हाँ अब बोल रहा है ये रूट शॉर्टकट है, तो चलो। कैसा लग रहा है ये टाइगर हिल का फील है ना? अच्छा, अरे बाप रे बाप, यहाँ का सीन तो बहुत ही सुंदर है यार। अगर देखो दार्जिलिंग में आते हो और टाइगर हिल अगर नहीं देखा तो समझ गए कि गया बेकार ये ट्रिप। अरे यार वाओ यार, दिल खुश हो गया यार। बहुत डेंजर जोन है यार। देखो ठंडा इतना है कि मतलब हाथ 5 बाहर रखने से पूरा जम जा रहा है यार, इतना ठंडा है। बहुत खूब सुंदर है सच में यार। टाइगर हिल में नहीं आया तो उसका लाइफ ही बेकार यार। ये देखो मेरा पैर, देखो पूरा नीचे की ओर से गया तो गया कर। अबे बाप मेरे को डर लग रहा है यार, व्यू देखो यार। यहाँ से आदमी कितना छोटा दिखाई दे रहा है ये, वाह। तो यहाँ का ऊंचाई जो है वो करीब 8,500 फुट ऊंचाई में अभी हम लोग है। तो यहाँ अगर आना होगा तो सुबह सुबह उठ जाना, करीब 4 उठना और गाड़ी पहले से रेडी रखना। और यहाँ ठंडा बहुत ही ज़्यादा है, ठंडाई का जो गर्मी वाला जो सामान है उसमें कोई कमी नहीं होना चाहिए। मेरे लिए जो है सब लोग वेट कर रहे हैं गाड़ी में, मेरे को लेट हो गया। मैं इतना उधर में वीडियो बनाने के चक्कर में था जिससे सब लोग गुस्सा कर रहे हैं यार। और फिर दूसरा स्पॉट जो है उधर में जाना होगा। तो आई होप कि तुम लोग ये टाइगर हिल का फुटेज जो है, यहाँ का वीडियो तुम लोग एंजॉय किया होगा अच्छा से। और आगे भी जो वीडियो आने वाला है वो भी एंजॉय करो, वो भी देखो, मेरे चैनल के साथ रहो। अभी पता नहीं वो लोग डांटेगा कि क्या करेगा। तो रिक्वेस्ट यही है कि दार्जिलिंग आते हो तो कभी टाइगर हिल मिस मत करना, और रेनी सीजन में मत आना। अब गुस्सा करने में थोड़ी होगा, वहाँ तो पहुँचना ही होगा, गुस्सा करने से कुछ होगा नहीं यार। मेरा तो काम है वीडियो बनाना, इसलिए वीडियो तो बनाना पड़ेगा। सच में यहाँ जब धूप निकलता है तो दिल खुश हो जाता है। नहीं यार लोग कहाँ चला गया, हमको छोड़ के तो नहीं चला गया यार।
छोड़ के जाएगा तो कोई टेंशन नहीं है। अला पैसा दिया नहीं गाड़ी वाला को, अगर पैसा दे देता तो बोल सकता था कि छोड़ के गया। अरे नहीं थोड़ा देर बाद जाएंगे, इसलिए हम ऊपर चढ़ा, नहीं तो हम रेडी ही था हम लोगों के लिए। पूछिए इनको कि हम पूछ के फिर ऊपर गया। तो फिर चलो हम सब लोग अभी गाड़ी में बैठ गए भाई, मजा आया भाई बहुत ही। तो यार हम लोग थोड़ा सा निकले हैं अभी ऊपर की ओर जाएंगे, इस स्पॉट का नाम क्या है पता नहीं, तो कंचनजंगा क्या बात कर रहे हैं। चलो 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 चलो, ये स्पॉट का नाम कंचनजंगा है। अरे वाह, आपका नाम बता दीजिए थोड़ा सा। मेरा नाम है सोन कुमार सोनी। अच्छा कहाँ से है? मैं सहरसा है। अच्छा तो भाई देखिए, हाँ तो देखिए अगर सिक्किम में रहता हूँ, सिक्किम में रहते हैं ये भैया, तो देखिए अगर हम लोग घूमने जाते हैं कहीं पे तो हो जाता है ऐसा, हर कोई को हर आदमी को मिल जाता है कि कोई फ्रेंड लोग कोई दोस्त ऐसा मिल जाता है सबको। अभी देखिए यहाँ पे नज़ारा अच्छा लग रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा लग रहा है कि बर्फ गिरा है, थोड़ा सा बर्फ दिख रहा है यार। अरे वाह यार, और थोड़ा सा अगर यहाँ पे बर्फ गिरता तो बहुत ही मज़ा आ जाता। और हम लोगों के साथ और भी दोस्त है, नाम बता दीजिए। विनोद से क्या असम? हाँ असम से है। ब्रांजल से ओरिया फ्रॉम असम। अच्छा तो देखिए हम लोग अभी दोस्त बन गए, कितना अच्छा। पहले जो है और तो आ रहा है पीछे वो बांग्लादेश से है, तो यही होता है जब घूमने जाते हैं तो दोस्त आता है। हाँ बहुत मजा आता है, दोस्ती प्यारी हो जाता है। अरे वाह, अरे भाई कुछ दिन पहले ही यहाँ पे बर्फ गिरा हुआ था लग रहा है। अरे अरे देखो ये तो बर्फ ही है यार, ये बर्फ है। अरे वाह कितना अच्छा जगह है यार, इसमें तो बहुत ही अच्छा है, बहुत घास ही है सब, घास को ढक दिया और पूरा सादा हो गया। जाएंगे तो वहाँ। अरे वाह, वाओ वाह, यहाँ का तो बहुत ही मस्त आ रहा है। तो तुम लोग देख सकते हो अभी यार, ये जो है ये पूरा बर्फ़ गिरा हुआ है, ये टाइगर हिल के बगल में ही है ये स्पॉट, पूरा के पूरा इतना पूरा बर्फ़ है ये। यहाँ का नजारा हम लोग जो है बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं यार, आप लोगों को भी यहाँ आने के लिए स्वागत करता हूँ, और आइए और एंजॉय कीजिए ये दार्जिलिंग ट्रिप का। ओके चलते हैं दोस्त आगे की ओर सब लोग मिलके। तो आप लोग देख सकते हैं कितना बढ़िया यहाँ का लुक है। देखिए दार्जिलिंग में बहुत सारे लोग आते हैं, मतलब आते हैं पर कोई कोई जगह जो है छोड़ देते हैं कि नहीं जाना है यार, वहाँ पे नहीं उठना है, क्या जाएंगे छोड़ो टाइम नहीं है, ऐसे करने से नहीं होगा। अगर तुम लोग गाड़ी रुका के या फिर नहीं आओगे ये सब स्पॉट में तो असल में मज़ा मिलेगा ना। नेचुरल का जो असली मज़ा है वो तो जब तुम एकदम मतलब वातावरण से मतलब अपने आप को पूरा नीचे बार मतलब ऑफर कर दोगे उसके पूरा पूरी, तब जाके मज़ा आएगा, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा यार। ज़िंदगी में है दो दिन, उसमें से आधा दिन तो कम से कम इंजॉय करो। चलो ठंडा बहुत है यहाँ पे, तो कुछ दिन पहले शायद लग रहा है कि अभी भी थोड़ा बहुत बर्फ़ है,
लग रहा है कि कुछ दिन पहले बहुत ही बर्फ पड़ गया। और हम लोगों का गाड़ी जो है सामने में हम लोगों का गाड़ी लगा हुआ है, चलो गाड़ी की ओर चलते हैं। Thank you.